यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि जनता कंटाल गई है यहाँ के बीजेपी सरकार से, क्योंकि यहाँ खाली खोटी मॉडल की बातें हो रही है, क्योंकि जनता का कुछ विकास नहीं हुआ। जो महामारी के अंदर गुजरात सरकार ने ऑक्सीजन की जो व्यवस्था करनी चाहती थी वो नहीं कर दी, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग भटक रहे थे, 2-2 लाख रुपए में इंजेक्शन के ब्लैक में बिके, और उसमें भी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बचे और दूसरे आम लोग मरे। महंगाई तो बहुत है सर जी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। कांग्रेस की सरकार में 70 रुपए में मिल रहा था पेट्रोल डीजल, अभी आपने देखा होगा 105 रुपए में अभी पेट्रोल डीजल का भाव है, और गैस सिलेंडर का भी भाव बहुत बढ़ चुका है। जो कांग्रेस सरकार 300 रुपए में सिलेंडर देती थी वो आज 1100-1200 रुपए बिक रहा है। भैया कोई जनता का प्यार नहीं है, MIM भाजपा की बी टीम है और आप ए टीम हैगी, ये दोनों टीमों को भाजपा ने उतारा है, दोनों टीम का अस्तित्व गुजरात में खत्म हो जाएगा और गुजरात का हमेशा इतिहास रहा है। यहाँ कोई तीसरी पार्टी चलती नहीं है, यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही जंग होती है। जनता के अंदर बहुत इनका रोष है, इस बार कांग्रेस 115 सीट पे आएगी और सरकार बनाएगी। आम आदमी में तो अभी कोई दिखता है नहीं, खाली बात ही कर रहा है, यहाँ पे किसी दिन आया तो है नहीं है केजरीवाल। कांग्रेस की सरकार चाहिए, मोदी ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया है, हिंदू मुसलमान करके पब्लिक को एक बाजू ले गया है और मगज बंद कर दिया है। आज आए एक आदमी 20,000 कमा के भी उसके घर का पूरा नहीं हो गया। घंटाब में आपका स्वागत है, मैं नाजी पठान। आज हम लोग अहमदाबाद के शाहपुर विस्तार जो 4 रास्ता कहलाया जाता है, जहां पर हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की एकता की बात करी जाती है, वो शाहपुर इलाका जहां पर ये नारा निकला था कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और एकता का राज चलेगा। और दूसरी बात ये, हम आपको जिस जगह पे खड़े वो आपको जगह में बता दूं, काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़े होके हम जानते हैं यहाँ के लोगों से के क्या कहना चाहते हैं। गुजरात में जिस तरीके से इलेक्शन आ चुके होंगे और इसमें क्या कहना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, जो सरकार है वही रहेगी या कुछ नवा देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर। आइए हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? ब्रिजेश। ब्रिजेश भाई क्या लगता है गुजरात के अंदर, सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात मॉडल के बारे में, क्या कहोगे गुजरात मॉडल के बारे में? यहाँ पे गुजरात मॉडल हुआ ही नहीं है, गुजरात मॉडल यहाँ पे सरकार परिवर्तन, यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि जनता कंटाल गई है यहाँ के बीजेपी सरकार से, क्योंकि यहाँ खाली खोटी मॉडल की बातें हो रही है, क्योंकि जनता का कुछ विकास नहीं हुआ, बीजेपी का और उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। बरोबर ऐसा है। अच्छा ये भी तो कहा जा रहा है कि नहीं बोले बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार, मोदी साहब ने ये भी तो कहा था, और कितना अच्छा विकास हो रहा है, एक बार वोट तो देखिए, देखिए बीजेपी सरकार। आप देख लो यहाँ पे, आप आजू बाजू यहाँ के पूरे विस्तार में, हमारा कोट विस्तार है वहाँ पे देख लो कि यहाँ पे पानी नल गटर की बहुत सारी समस्या है, यहाँ पे तो कोई काम हुआ नहीं है। हमारे को अच्छे अच्छे रिवर फंड नहीं चाहिए, क्यों फ्लाई ओवर नहीं चाहिए, सिर्फ शुद्ध और पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, ऐसा है। अच्छा चलिए अब आ जाते मेन मुद्दे पे बात, गुजरात के चुनाव काफी नजदीक है, सरगर्सियां भी तेज हो चुकी है, सारी पार्टियां के दावा कर रही है हमारी सरकार बनेगी, हमारी बहुमत से सरकार बनेगी, जनता हमें चुनेगी, हमें चुनेगी। क्या लगता है इस बार गुजरात की जनता जो सरकार है वही रहेगी या कुछ गुजरात में परिवर्तन देखने को मिलेगा? नहीं, अब गुजरात की जनता जान चुकी है, बीजेपी सरकार को पूरी तरह से समझ चुकी है, अब गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा। कई बार 10-1 सीटों से पीछे हो रही थी कांग्रेस, पर इस बार कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हम। ऐसा है। अच्छा मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, कांग्रेस सरकार क्यों, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं और MIM क्यों नहीं? आम आदमी और MIM पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, बी और सी टीम है, क्योंकि उन्होंने ही, बीजेपी ने ही पैसे देके उन लोगों के पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पे खड़े किए हुए, ये सब पब्लिक और जनता जान चुकी है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो राहुल गांधी जी के जो 8 वचन है, जो 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा और 300 यूनिट बिजली फ्री है, और कांग्रेस ने ऐसा सब किया है पहले, कांग्रेस ने विकास किया है, असली विकास कांग्रेस ने किया हुआ है। क्या लगता है क्या वाकई जो राहुल गांधी जी ने कहा है अगर सरकार बनती तो वो सब होगा? हो सकता है वो भी एक जुमला हो? नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है और हम उनको भी बहुत करीबी, उनके परिवार से बहुत करीबी से जानते हैं। चलिए हमारे साथ एक और भाई है, जनाब क्या लगता है आपको गुजरात में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जो सरकार है वही रहेगी?
इस बार पूरा पूरा परिवर्तन होगा गुजरात के अंदर। 27 साल से गुजरात की प्रजा बहुत त्रास चुकी है सरकार से। महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सही नहीं मिल रहा है। कोरोना के अंदर जो महामारी के अंदर गुजरात सरकार ने ऑक्सीजन की जो व्यवस्था करनी चाहती थी वो नहीं कर दी। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग को भटक रहे थे, 2-2 लाख रुपए में इंजेक्शन के ब्लैक में बिके, और उसमें भी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बचे और दूसरे आम लोग मरे, आम जनता मरी है उसके अंदर। उसमें सारी कौमी हिंदू मुस्लिम दोनों मरे, बाकी बिल्कुल फेल है सरकार। 27 साल में कुछ किया नहीं है। मोदी जी खुद भी यहाँ पर सीएम थे, जब भी उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की है। उन्होंने जितने भी ये वाइब्रेंट गुजरात के प्रोग्राम किए सारे फेल है। आप मुझे एक भी बता दो जो एक भी प्रोजेक्ट लगा हो यहाँ पर गुजरात के अंदर। और नैनो लगा था वो भी बंद हो चुका है, नैनो प्लांट जो लगाया था वो भी बंद हो चुका है। एक भी खाली एक कागज के ऊपर एमओयू की है, और जो सरकार ने सस्ते भाव में उद्योगपतियों को जमीनें दे दी है, अब वो जमीनें वो हेतु फेर करके बेच रहे, वो जमीन है उद्योगपति गुजरात के अंदर। सरकार ने उसके अंदर बहुत बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और ये सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया और बहुत साथी तरीके से भ्रष्टाचार किया है। क्या लगता है गुजरात में जो चुनाव काफी नजदीक आ चुके, क्या लगता है जनता क्या परिवर्तन चाहती है, किसकी सरकार चाहती है? जनता इस बार कांग्रेस की सरकार चाहती है। लोगों ने देखा है कि कांग्रेस की सरकार थी 500 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1100 रुपए में मिल रहा है। आज 1170 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था, आज 105 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। सरकार ये आम लोगों का मुद्दा है, हमारा आम जनता का, पब्लिक का, गरीब मध्यम वर्ग का ये मुद्दा है। क्योंकि आज आदमी 300 रुपया कमाता है, 300 रुपये में वो खाएगा, बिजली बिल भरेगा कि वो पेट्रोल पुराएगा कि वो दवाई कराएगा, क्या क्या बच्चों को पढ़ाएगा। यहाँ शिक्षण एजुकेशन भी गुजरात के अंदर इतना महंगा है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक इंसान की पूरी पूंजी चली जाती है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। अच्छा, मगर आम आदमी पार्टी तो ऐसा वादा कर रही है कि हमारी सरकार बन रही है और हम जनता हम गुजरात पे राज करेंगे। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भेजी हुई बेटी में, उसके अंदर मैं आपको बता दूं, 2017 के अंदर जब असेंबली के चुनाव गुजरात में हुए थे उस समय हम 80 सीट के करीब कांग्रेस पार्टी यहां पर पहुंच गई थी। आम आदमी पार्टी और एमआईएम को बुलाया गया है गुजरात के अंदर। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डरी हुई है, भय के अंदर है। और आज आप देख लो, आज कल से लेकर अभी तक कितने लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भाजपा छोड़ी है और कांग्रेस में आ रहे हैं। वो लोग परिवर्तन, अब जनता ने मूड बना लिया है बिल्कुल परिवर्तन का इस बार गुजरात के अंदर। सर क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। विकास भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जो मोदी जी ने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, तो क्या लगता है आपको महंगाई है कि नहीं देश में? महंगाई तो बहुत है सर जी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। कांग्रेस की सरकार में 70 रुपए में मिल रहा था पेट्रोल डीजल, अभी आपने देखा होगा 105 रुपए में अभी पेट्रोल डीजल का भाव है। और गैस सिलेंडर का भी भाव बहुत बढ़ चुका है, जो कांग्रेस सरकार 300 रुपए में सिलेंडर देती थी वो आज 1100-1200 रुपए बिक रहा है। लेकिन ये सब मोदी जी के खोटे और वाहियात वायदे है, ये सब गुजरात में अब नहीं चलेगा। अच्छा, क्या लगता है गुजरात की जनता क्या चाहती है, जो किस तरीके का परिवर्तन चाहती है गुजरात में? अब गुजरात की जनता कांग्रेस सरकार चाहती है वो पहले जैसा, वो सस्ता महंगाई कम हो और अच्छे से जीवन गुजारे सब, ऐसा है मतलब इस बार। मगर आम आदमी पार्टी तो वादे कर रही है कि हमारी सरकार बन रही है और हम बहुमत से आ रहे हैं, क्या कहोगे? नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी तो नहीं आएगी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ही आएगी रिपीट में। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? इमरान सौदागर। इमरान भाई, क्या लगता है गुजरात के अंदर जिस तरीके से चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं और बीजेपी सरकार कह रही है हमारी सीट बन रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारी बन रही है, और कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम 10 सीटों से ले गए थे, इस बार हमारी बहुमत से आएगी क्योंकि जनता हमारे से प्यार कर रही है, और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा जो है उस पर भी कह रही है कांग्रेस, दावा कर रही है इस पर प्रभाव पड़ रहा है, कांग्रेस से लोग जुड़ेंगे, क्या लगता है इस बार गुजरात में कैसे परिवर्तन की जरूरत है? अगर गुजरात में परिवर्तन की जरूरत नहीं होती तो भाजपा पूरा मंत्रिमंडल नहीं बदलता, सीएम को नहीं बदलते। अगर सीएम ने कोरोना में अच्छा काम किया होता तो भाजपा नहीं बदलती। जनता के अंदर बहुत इनका रोष है, इस बार कांग्रेस 115 सीट पे आएगी और सरकार बनाएगी। अच्छा, मगर लोग जो दूसरी पार्टियां दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारी बहुमत से सरकार आएगी और एमआईएम कह रही है कि हम कई जगह जितनी जगह से हम लड़ लें वहां से हमारे को प्यार मिले हमारी सीट बनेगी, क्या कहोगे?
भाई ये कोई जनता का प्यार नहीं है, एमआईएम भाजप की बी टीम है और आप ए टीम हैगी। ये दोनों टीमों को भाजप ने उतारा है, दोनों टीम का अस्तित्व गुजरात में खत्म हो जाएगा और गुजरात का हमेशा इतिहास रहा है। यहाँ कोई तीसरी पार्टी चलती नहीं है, यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही जंग होती है। सर क्या नाम है आपका? प्रशांत भाई। प्रशांत भाई सर यहाँ जाइए। प्रशांत भाई क्या कहोगे, देखिए गुजरात के इलेक्शन काफी नजदीक है, क्या गुजरात की जो जनता है, जो सरकार मौजूद है, मौजूदा सरकार है, क्या वही रहेगी या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा गुजरात में? नहीं नहीं, परिवर्तन तो मिलना ही चाहिए क्योंकि आज 27 साल से हम देख रहे हैं एक ही शासन चल रहा है। मैं चाहता हूँ राजस्थान की तरह हो, हर 5 साल में बदलेगा शासन तो उनको भी पता चलेगा कभी कैसा शासन होता है। आज तुम पेट्रोल के भाव देख लो, गैस के भाव देख लो, सब गरीब इतने मर रहे हैं ना कि जिसका कोई वो ही नहीं है। मगर क्या लगता है, अच्छा गुजरात के आप जो कह रहे हो गुजरात की जनता जो है परिवर्तन चाहती है, किस तरीके का परिवर्तन चाहती है? क्या जो जैसे कि आम आदमी पार्टी भी वादे कर रही है, एमआईएम भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, मगर क्या गुजरात की जनता को किस पे भरोसा है, किसका पल्ला मजबूत है? आम आदमी पार्टी और वो सब तो यहाँ फालतू आई हुई है, उसका कुछ नहीं होगा, वो खाली ऐसे ही आई हुई है। बाकी यहाँ सब लोग जानते हैं, यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच में सब होता है जो होता है वो, बाकी ये एमआईएम कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ वोट जो कांग्रेस का होता है वो तोड़ने के लिए यहाँ आती है। गुजरात किसका पल्ला भारी है? गुजरात में अभी कांग्रेस का पल्ला भारी है। अच्छा चलिए। सर क्या नाम है आपका? प्रतीक पटेल। प्रतीक पटेल है ना सर, क्या कहना चाहेंगे, गुजरात की इलेक्शन जो नजदीक है, एकदम काफी नजदीक आ चुके हैं, क्या गुजरात में किस तरीके की क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा या जो सरकार है वही रहेगी? अभी परिवर्तन तो चाहिए सर, 27 साल में भाजपा ने देख सकते हो आपने क्या विकास किया है, विकास के नाम पे मेघवारी बढ़ाई है। अच्छा, तो अभी तो परिवर्तन चाहिए, अभी तो कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। मगर दूसरी पार्टियां तो ऐसा वादे कर रही, कांग्रेस क्यों? मेरा सवाल ये, कांग्रेस क्यों, आम आदमी पार्टी और एमआईएम क्यों नहीं? आम आदमी में तो अभी कोई दिखता है नहीं, खाली वादे ही कर रहा है, यहाँ पे किसी दिन आया तो है नहीं है। केजरीवाल, केजरीवाल की कोई टीम भी कुछ है तो नहीं है। बरोबर, वो तो बोलते हैं कि देखिए पंजाब देखिए और क्या नाम है दिल्ली देखिए, वो तो इसकी बात। दिल्ली देखिए सर, दिल्ली अभी माइनस में चल रही है। अच्छा, जैसे कि अभी घाटे में चल रही है दिल्ली सरकार, आप देख सकते हैं गूगल पे ऐसा है। हाँ। अच्छा, और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं, आम आदमी बोलो सॉरी एमआईएम क्यों नहीं? एमआईएम भी कह रही है कि हमारे दावे कर रही है हमारी सरकार बन रही है, जहाँ जहाँ से हम लड़ रहे वहाँ से जनताओं का प्यार मिल रहा है। नहीं, एमआईएम तो क्या है, भाजपा का दूसरी टीम है, भाजप की टीम है एमआईएम। इसके लिए तो कांग्रेस परिवर्तन चाहिए, जो 60 साल में उन लोगों ने किया है वही चाहिए वापस। क्या वाकई कांग्रेस, वाकई जो आप जिसे कह रहे हो, क्या वाकई कांग्रेस को प्यार मिलेगा, गुजरात में बन सकती है सरकार, कि ये भी खाली एक जुमलेबाजी है, कैमरे पे कुछ और बोल ले बाहर जाके कुछ और होगा? नहीं सर, अभी आप देख सकते हो कि 60 साल में कैसा था कि एक जन कमाता था और 3 खाते थे, अभी कांग्रेस में 27 साल में आप देख चुके हो बिल्कुल, चार घर में इंसान है, 3 कमाते और 4 खाते, तो अभी तो परिवर्तन चाहिए ना सर। जी सर, क्या क्या किस तरीके के परिवर्तन की जरूरत है गुजरात में, क्या कहना चाहते हो, वाकई जो है जो सरकार है वही रहेगी या कुछ चेंज देखने को मिलेगा? कांग्रेस की सरकार चाहिए, मोदी ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया है, हिंदू मुसलमान करके पब्लिक को एक बाजू ले गया है और मगज बंद कर दिया है। आज एक आदमी 20,000 कमा के भी उसके घर का पूरा नहीं हो रहा और ये बड़ी बड़े दावे करता है मैंने ये करा मैंने किया। एक इंसान लाके बताओ कि जिसने मोदी की मदद मिली हो, कोरोना में कोई मदद नहीं दी, नोटबंदी में 1,000 इंसान मार डाले लाइन में खड़े रहकर, बस इसने एक लाइन लगाई है कि बस लाइन में लगाओ इंसानों को मारो, गरीबों को इनने मार डाला, पैसे वालों को ताजा कराए। आज गरीबों के हालों चाली में जाके देखो, उनको खाने के लिए अनाज नहीं है, सब बाता दिखावे की है। कांग्रेस भाजपा के एक इंसान के बताओ कि ये इंसान ने मदद करी हो गरीबों की, तो इस बार आप कांग्रेस को वोट दो? कांग्रेस को, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस को देगा, मेरा 40,000 का परिवार है। अच्छा, क्या जनाब क्या लगता है किसकी क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा गुजरात में, किसकी लहर? अभी कांग्रेस की लहर जाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि इतने सालों से हम लोग कांग्रेस के समय इतनी महंगाई नहीं थी, हम एक कमाते तो 5 जने खा लेते थे, अभी इतनी महंगाई हो गई कि 5 को कमाना पड़ता है, और ये ओवरब्रिज ने रिवर फ्रंट बनाने से हमारा पेट नहीं भराएगा। जो हिसाब से सरकार चला रही है वो रिवर फ्रंट जी ने ये ओवरब्रिज बनाने से पेट नहीं भराया, हमको रोजगार चाहिए और रोजगारी चाहिए हमारे को, और कांग्रेस की सरकार चाहिए हमारे। क्या बोले सर आप? रिवर फ्रंट में जो ब्रिज बना है अटल ब्रिज बोलते हैं, वो भी चार्जेबल है, वो भी कहाँ पे फ्री है, वहाँ पे 30 रुपया पर पर्सन 30 रुपया टिकट है,
तो मीडियम वर्ग तो कहाँ घूमने जा सकता है। अच्छा सर, क्या लगता है जैसे कि जो बीजेपी सरकार जो वादे कर रही है, जो कि हम गुजरात के अंदर हमारी ही सरकार बन रही है, और जो है कांग्रेस हार रही है, आम आदमी भी हार रही है, ये तो खाली एक मतलब एक देखा जाता है कि ये तो खाली आ रहे हैं मगर चले जाएंगे, जो 27 साल से जनता जिसे चुन रही है इस बार भी वही आएगा, क्या लगता है इसमें कितना सफल हो पाएगी बीजेपी? बीजेपी ऐसे तो सफल हो ही नहीं रही है, यहाँ पे जनता का विकास नहीं हुआ, उनका खुद का विकास हुआ है। उन्होंने जो वायदे किए थे कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, युवा आत्महत्या कर रहा है, खेडूत आत्महत्या कर रहा है, कहाँ से विकास हुआ? विकास उद्योगपतियों का हुआ है, अमीरों का हुआ है, और बीच में जो मध्यम वर्ग के जो वहाँ पे यहाँ पे जो आदमी है और गरीब है, गरीब गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला होता। और ये विकास की बात करें तो आप विकास का मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप बिहार का देख लो कि बिहार में जैसे नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया बीजेपी से, तो वो क्यों तोड़ा? जो पब्लिक जान चुकी है क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार से फंड मांगा था। कई के लिए फंड मांगा था, तो वो विकास के लिए फंड मांगा था कि आप थोड़े पैसे दो, बिहार को हमारा विकास करना है। उन लोगों ने फंड नहीं दिया तो उनमें वो खुले हो गए कि बिहार में विकास के लिए फंड मांगा तो उन्होंने दिया नहीं। और नीतीश कुमार को सही तरीके से और सही तरह से उनको बिहार में विकास करना था तो उनको फंड की जरूरत थी तो उन्होंने दिया नहीं है, और उन्होंने आरजेडी से गठबंधन कर दिया, उनसे गठबंधन छोड़ दिया। तो वो सही बात है, नीतीश कुमार की बात है। तो काय का विकास तुमने गुजरात में किया है? गुजरात में तुमने उद्योगपतियों का विकास किया है, मैं बोलता हूँ अदानी अंबानी का विकास किया हुआ है। मगर कहीं ना अभी यहाँ गुजरात के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी आ सकती है, आप ऐसा कहना चाहते हो उसकी सरकार बन सकती है? हाँ, कांग्रेस की सरकार आ सकती नहीं, हमारे लानी है, जनता को लाने की है। अब कांग्रेस की सरकार आएगी, जनता परिवर्तन चाहती है। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने यहाँ पर आया जाना लोगों से, यहाँ पर हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने बताया जो पूरा मामला था, हमने बात करे विकास की भी, स्वास्थ्य की भी, और सरकार इस इलेक्शन की बात करी, और जो जो मामला था हमने जो जनता द्वारा उनकी हमने दिल की बात जानी और आप तक रखा। देखिए चुनाव आएगा, चुनाव के वक्त पता चलेगा किसकी लहर देखने को मिलती है, किसकी सरकार बनती है। मैं मोहम्मद नाजी पठान, आप देख रहे जी कंटाप।